देश के अलग अलग स्टेट से अनएम्प्लॉयमेंट रेट की रैंकिंग जो है ये सामने आई है, और इस रैंकिंग में जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो ये कौन से रैंक पर जो है सामने आया है। तो इसमें आपको बता दें कि देश भर में तीसरे नंबर पर जो है जम्मू कश्मीर अनएम्प्लॉयमेंट रेट के तहत जो है ये आया है, और कहीं ना कहीं एक दुखद ये जो आंकड़े सामने आए हैं ये कहीं ना कहीं ये बयां करते हैं कि कितनी ज्यादा बेरोजगारी जो है ये जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। और इसी के साथ जहाँ पर जब हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं जो तीसरे स्थान पर आया है, और पहले दो जगहों पर हरियाणा और राजस्थान जो है ये दो ऐसी स्टेट्स रही हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट के तहत जो है पहले और दूसरे नंबर पर आई हैं। आपको बता दें कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की तरफ से जो डाटा रिलीज किया गया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट लेकर, उसमें ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट में 18.3% पर आया है, और इसी के साथ साथ हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो पहले नंबर पर आया है, उसमें 24.6% तक का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये वहां पर देखा जा रहा है, और राजस्थान में 22.2% तक का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये दर्ज किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर का जो यूथ है वो बेरोजगारी से तब जो है सबसे ज्यादा गुजरा है जब कोविड पेंडेमिक जो है ये अपने पीक पर था, यानी कि जब कोविड-19 जो है ये सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा था, और इस दौरान जो है सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये दर्ज की गई है। और इसी के साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट देखी गई वो किस एज ग्रुप के बीच जो है जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा देखी गई है वो भी आपको बता दें कि 15 से 29 साल की उम्र के जो आयु वर्ग के जो युवा हैं जो लोग हैं इनके लिए सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये देखा गया है, जो कि 33.8% जो है लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में दर्ज किया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से जो कंक्लूजन जो है इस सर्वे के तहत जो है दिए गए हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि 1390 यानी कि 1390 हाउसहोल्ड्स में जम्मू कश्मीर में जिसमें 1549 लोगों के साथ जो है ये सर्वे किया गया जो कि 15 से 29 साल की उम्र के लोग थे। और इसी के साथ लास्ट सितंबर यानी कि साल 2021 में सितंबर महीने में जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ जो है जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तरफ से ये कंफर्म किया गया कि अराउंड 48,908 जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ यहाँ पर है जो जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड यूथ है इंक्लूडिंग 21,205 पोस्ट ग्रेजुएट्स जिन्होंने अभी जून 2021 तक जो है अपनी जॉब के लिए जो है रजिस्टर किया था। तो ये आप आंकड़ा देख सकते हैं कि कितने ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट्स थे और कितने ज्यादा जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड यूथ है जिन्होंने जॉब के लिए जो है खुद को अप्लाई किया था रजिस्टर किया था। और इसी के साथ साथ इस पूरे रीजन की अगर हम बात करते हैं यानी कि जम्मू कश्मीर यूटी की बात करते हैं तो यहाँ पर अब ये तीसरे स्थान पर जो है ये ऐसी स्टेट जो है यूटी सामने आई है जिस जहाँ पर तीसरे नंबर पर जो है देश भर में यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये देखा जा रहा है। और इसी के साथ साथ जहाँ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बात करते हैं तो उन्होंने भी जो है ये कहा है कि पिछले जो सालों से अगर कंपेयर किया जाए तो कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी जो है ये अब कोशिश कर रही है कि 5 लाख जॉब जो है ये यहाँ पर जो है तैयार की जाएं, कुछ ऐसी वैकेंसीज जो है निकाली जाएं, और साथ ही साथ प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए भी रास्ते खोले जाएं ताकि ये जो डाटा सामने आया है ये कहीं ना कहीं इसमें कमी जो है ये लाई जा सके। और इसी के साथ साथ जो अलग अलग बाकी जो जगहें हैं स्टेट्स हैं जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी अगर बात करें तो त्रिपुरा जो है वहाँ पर 17.4% जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये दर्ज किया गया है, दिल्ली में 13.6%, गोवा में 13.4%, बिहार में 13.3%, और इसी तरह से बाकी की अगर जो है हमारी स्टेट्स हैं या फिर जो यूटीज हैं उनकी बात करें हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 9.6% वहाँ पर भी दर्ज हुआ है, पंजाब में 9.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये यहाँ पर दर्ज किया गया है। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 18.3%, हरियाणा में 24.6% और राजस्थान में 22.2% जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये यहाँ पर दर्ज हुआ है, इस पर कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है ताकि जिस जिस तरह से बेरोजगारी जो है लगातार बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं कमी लाई जा सके और लोगों को रोजगार जो है वो प्रदान किया जा सके।